रेवाड़ी नगर परिषद अधिकारियों के कुप्रबंध के चलते 5,42,000 रुपए की लागत से 31 वार्डों में लगाई गई 10,428 लाइट भी शहर को रोशन नहीं कर सकी। इसका बड़ा कारण नगर परिषद की अनदेखी व ठेकेदारों की लापरवाही है। नियम अनुसार 18 से 24 मीटर चौड़ी रोड पर 90 वाट व चौड़ी सड़कों पर 24 से 45 वाट की LED लाइट लगाई जानी थी, लेकिन कर्मचारियों ने जहां एक की जरूरत थी वहां चार लगा दी और कहीं पर एक भी नहीं लगाई। इसके चलते शहर के अनेक हिस्सों में अंधेरा छाया रहता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोगों के घरों के आसपास नियमों को दरकिनार कर लाइट लगा दी गई। शहर के सबसे बड़े हिस्से सेक्टर 4 में स्थिति ज्यादा खराब है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर हुड्डा डिस्पेंसरी में पोशवाल चौक से लेकर सैनिक स्कूल तक इक्का दुक्की लाइट होने के चलते अंधेरा छाया रहता है। वहीं रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 19 में सबसे ज्यादा 567 लाइटें लगी हुई हैं। 5 साल में इनके रखरखाव पर 1,73,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नगर परिषद की ओर से शहर में पुरानी लाइटों के रखरखाव पर भी वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक 1,75,000 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन काफी लंबे समय से ही ऐसे हालात बने हुए हैं। RTI कार्यकर्ता साकेत धींगड़ा ने बताया कि नगर परिषद ने मनमाने तरीके से शहर में लाइट लगा दी है। इसके चलते अनेक गलियों में अंधेरा रहता है। पुराने लाइट किस कीमत पर दी गई इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। अब इस पर पूरे मामले की जांच की जानी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होकर शहर की जनता के सामने आ सके। इस घोटालेबाजों के कारनामे जनता के सामने आए। वही नगर परिषद EO अभय सिंह ने बताया कि बंद लाइटों की शिकायत मिलने पर उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जा रहा है। संबंधित 4 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है और जो कार्यवाही नियम अनुसार बनती है वह की जा रही है। यह जांच का विषय है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। नहीं, स्ट्रीट लाइटें काफी कुछ बंद नहीं है। जो भी बंद है शिकायत आती है उनको तुरंत प्रभाव से करवाया जा रहा है। उसके लिए कविंदर सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है और संबंधित जो ठेकेदार हैं 4 ठेकेदारों को शो काज नोटिस जारी किया जा चुका है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी बनती है वो कार्रवाई की जा रही है। देखिए जी, ऐसा ये जांच का विषय है। मेरे पास अभी ऐसी कोई मेरे संज्ञान में ना शिकायत आई है ना कोई बात है। नहीं, हमने उनको शो काज नोटिस दिया है। कविंदर सुपरवाइजर की इसमें ड्यूटी लगाई गई है कि टोटल एक जो असिस्ट है उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करेगा एक हफ्ते में। बिल्कुल, अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कुछ टाइम पहले मैंने RTI लगाई थी नगर परिषद रेवाड़ी में। मैंने मांगा था रेवाड़ी शहर में कितनी स्ट्रीट लाइट लग रही हैं और वो नई स्ट्रीट लाइट जो LED लाइट लगी है कितने की है, की कीमत थी। तो नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए नई लाइट लगाने में खर्च कर दिए और 2.25 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च कर दिए। फिर भी शहर में अंधेरा है। अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूँ तो 10,428 रेवाड़ी शहर में स्ट्रीट लाइट लगी पड़ी हैं इसके 5 करोड़ लगाने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पुरानी लाइट लग रही थी वो कूड़े के भाव 5 रुपये 7 रुपये किलो बेच दी गई। 1,000 रुपये की लाइट नगर परिषद ने 5 रुपये की बेच दी, वो इसी टेंडर के अंदर है। नगर परिषद ने मुझे ये बताया कि अगर स्ट्रीट लाइट की कोई मैंने समस्या से संबंधित बात करी तो उन्होंने बताया कि आप स्ट्रीट लाइट की समस्या हो तो आप सीधा ठेकेदार से कॉन्टैक्ट करो, नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। कुल मिलाकर ये जो 5 करोड़ रुपये लग गए हैं शहर पूरा अंधेरा है। जी, हर साल स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए आते हैं पर नगर परिषद कुछ भी खर्च नहीं करती। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 5 से 7 करोड़ रुपए रेवाड़ी शहर के स्ट्रीट लाइट पे लग गया, फिर भी शहर में अंधेरा है। अब मेरी DC साहब से मांग है कि जितनी भी अभी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जो नई LED लाइट लगी है, सबसे पहले तो जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जाँच की जाए। जो 4 ठेकेदारों ने लाइट लगाई है इन सबकी जाँच की जाए और इनका ठेका रद्द किया जाए। इतनी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की एक लाइट की कीमत है। जो लाइट 500-600 रुपये की है वो 5,000 रुपये में लगाई है और जो पुरानी लाइट कहीं तो लाइट जो अभी डैमेज भी हो चुकी है और लगी भी नहीं है शहर के अंदर पूरी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी नगर परिषद ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं पूरा की पूरा गोलमाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो टेंडर इतना ज़्यादा टेंडर दिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब मैंने इसकी जानकारी मांगी कि एक स्ट्रीट लाइट कितने की है तो नगर परिषद ने 1 साल तक तो उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे को 500 पन्ने पकड़ा दिया कि आप ये इसमें से देख सकते हो कि कितनी लाइट की कीमत है। तो जय साहब को और किसी को यह भी नहीं पता कि ये लाइट की कीमत क्या है। तो मैंने एस्टीमेट लगाया तो एक लाइट की कीमत लगभग 5 से 7 हज़ार है, जो बाहर से मुकाबले 7-8 गुना ज़्यादा है। जी,
जी सबसे बड़ा तो क्राइम बढ़ जाता है। अगर आपका मुख्य चौराहों पे अगर आपकी लाइट नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 6 बजे 7 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। पर अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ लाइट स्ट्रीट लाइट लगी ही नहीं अभी तक। इतने करोड़ रुपये लगाने के बावजूद भी एक लाइट यहाँ है तो अगली लाइट उसके 200 मीटर 300 मीटर दूरी पर है। पर ठेकेदार ने कुछ इसके अंदर कमाल भी कर दिया, किसी वार्ड के अंदर तो लाइटें लगा दी 150, किसी वार्ड के अंदर लाइटें लगा दी 700। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस वार्ड की जनसंख्या कम है उसमें स्ट्रीट लाइटें 550 का मतलब क्या लगाने का। जी कहीं ना कहीं अब ये अगर स्ट्रीट लाइटें अगर पूरी अगर ये 5 करोड़ रुपये एक्चुअल में ही लगता तो पूरा शहर जगमग हो जाता और क्राइम रेट थोड़ा उसमें कम आता। पर क्राइम रेट को भी ये बढ़ा रहे हैं और रेवाड़ी धीरे धीरे क्राइम सिटी बन जाएगा जी, तो उसमें नगर कहीं ना कहीं रोल रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, महिला का जो है अगर हम बात करें तो जितना भी क्राइम है लगभग डबल हो गया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो उसमें मैंने आरटीए लगाई थी कि कितना क्राइम रेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट डबल से ज़्यादा हो गया रेवाड़ी के अंदर। जी जी बिल्कुल है जी, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं चैन स्नैचिंग की प्रॉब्लम, किडनैपिंग की प्रॉब्लम, और महिला कहीं ना कहीं अंधेरे में निकलने में भी संकोच करती है, तो पूरा की पूरा इससे क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।